अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग हेलो ऐप के बारे में क्या क्या जानते हैं और आप लोग हेलो ऐप के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो हेलो ऐप के बारे में मैं अभी आपको पूरी जानकारी शेयर करने वाला हूं। जी हां, मुझे ये पूरा विश्वास है कि अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हैं, क्योंकि थोड़ा लंबा बनने वाला है यह वीडियो, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को भी हेलो एप्लीकेशन से जुड़ा कोई भी वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और यह हेलो एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा फेमस है पैसा कमाने के लिए। तो मैं पूरा तरीका बताऊंगा कि आप पैसा कैसे कमा सकते हैं, प्लस इसमें आप कैसे अपना फ़ोटो वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। पूरा जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। बस आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि थोड़ा लंबा बनने वाला है यह वीडियो। उससे पहले, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए। अगर आपके पास हेलो एप्लीकेशन नहीं है तो आपको इस वीडियो के नीचे में लिंक मिलेगा, उस लिंक पे अगर आप लोग टैप करते हैं तो सिंपली आप लोग इस वाले ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे। और इस वाले ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पे इंस्टॉल करने का ऑप्शन है, यहाँ पे सिंपली करेंगे तो आपका इंस्टॉल हो जाएगा और आप वहाँ से सिंपली अपना लॉग फ़ोन नंबर देकर अकाउंट बना सकते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है, कोई भी बड़ा बात नहीं है। तो जब यहाँ पे आप अकाउंट अपना बना लेते हैं, अकाउंट बनाने के बाद आप सबसे पहले आप यहाँ पे होम पेज पे आ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एक रुपए वाला एक आइकन दिख रहा होगा, इस आइकन पे टैप करना है। और इस आइकन पे टैप करने के बाद यहाँ से आप पैसा को कमा सकते हैं। पैसा कमाने के लिए आपको क्या करना होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला रेफर करने पर आपको 250 रुपये मिलने वाला है। तो 250 रुपये आपको किस तरह से मिलेगा, पूरी जानकारी मैं अभी आपको बताने वाला हूं। और एक बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग इस हेलो एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो आपको रोज़ाना 10 मिनट तक यूज करना होगा। और यहां पे आप देख सकते हैं, पहला रेफर करेंगे तो आपको 10 रुपये मिलेगा, प्लस एक दिन तक यूज करते 1 रुपये मिलेगा, दूसरा दिन यूज करते हैं तो 5 रुपये मिलेगा, तीसरा दिन यूज करते हैं तो 5 मिलेगा, और सातवां दिन यूज करते हैं तो 30 मिलेगा, 14 दिन यूज करते हैं तो 60 मिलेगा, और यहाँ पे 30 दिन तक यूज करते हैं तो यहाँ पे 100 रुपये मिलेगा। टोटल मिलाकर आपको 250 रुपये मिलने वाला है। तो सिंपली आपको क्या करना है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इनवाइट एंड गेट कैश में आपको क्लिक करना, आप पहुँच जाएंगे अपना व्हाट्सअप में, आप वहाँ पे जाकर शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका दिख रहा होगा रेफर कोड, आप यहाँ से रेफर कोड को कॉपी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आती है एक सबसे बड़ी बात, अगर आप लोग इस हेलो एप्लीकेशन का अकाउंट को शेयर करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि रेफर कोड डालने का ऑप्शन नहीं आता, कभी आता ही नहीं है, जो कि आपका रेफर काउंट हो जाता है। तो अकाउंट मतलब जिसे भी आप शेयर करेंगे उसे डाउनलोड करवाने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, रेफर कोड डाले और 1 रुपये पाए। तो आप जब भी किसी फ्रेंड को रेफर करेंगे तो आप लोग यहाँ से एक बार चेक कर लेंगे कि यहाँ पे रेफर कोड डाले वाला ऑप्शन है या नहीं है। जब आप हेलो एप्लीकेशन से पैसा को अर्न कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे विड्रो का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको विड्रो वाले में टैप करना है और यहाँ पे आप अपना पेटीएम या कोई भी अकाउंट को जोड़ सकते हैं। उसके बाद आप मिनिमम 1 रुपये से लेकर 100 रुपये तक विड्रो कर सकते हैं, जैसा कि मैं अभी आपके सामने 100 रुपये विड्रो कर दिखाता हूँ, जो कि मेरा यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे कन्फर्म विड्रो हो चुका है। और एक ज़रूरी बात, अगर आप लोग जिस भी फ्रेंड को रेफ़र करते हैं तो यहीं पे आपको शो होगा कि आपको वो फ्रेंड आपको उसका पैसा मिला या नहीं मिला, यहीं पे आपको सारा मतलब चीज़ शो होगा। जैसा कि मैंने अभी 100 रुपये विड्रो किया तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे 100 रुपये शो हो चुका है। इस तरह से आप लोग अपना हेलो एप्लीकेशन से पैसा को विड्रो कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब उसके बाद मैं बताता हूँ कि अब आपको क्या करना, जो कि बहुत ज़रूरी होता है, आप लोग हेलो एप्लीकेशन में फ़ोटो वीडियो डालकर भी अपना फॉलोअर को बढ़ा सकते हैं और उस तरह भी आपको पैसा कमा सकते हैं, जो कि अगर आपका ज़्यादा फॉलोअर रहेगा तो आपको पैसे कमा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे बीच में आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको इस वाले ऑप्शन में टैप करना है। और इस वाले ऑप्शन में टैप करने और यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। पहला ऑप्शन मिलेगा आपको पोल डालने का, जी हाँ, आप लोग अपना पोल डाल सकते हैं, प्लस पोल में आप लोग इमेज भी लगा सकते हैं। दूसरा, आप यहां पे टेक्स्ट लिख सकते हैं, जिस तरह आप लोग फेसबुक में कुछ भी लिखकर आप लोग अपलोड करते हैं उस तरह से आप
मतलब फ़ोटो पे कुछ लिख कर अपलोड कर सकते हैं। तीसरा आता है फ़ोटो, आप अपना सिंपली यहाँ पे एक फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, जैसे आप एक से अधिक फ़ोटो भी अपलोड कर सकते हैं एक साथ। तो यहाँ पे अपना एक फ़ोटो को सेलेक्ट करना, उसके बाद यहाँ पे ऊपर में आपको डन वाला ऑप्शन आएगा, और डन वाला ऑप्शन आने के बाद यहाँ पे एक ज़रूरी बात कि आप लोग एक फ़ोटो पे म्यूजिक भी लगा सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे एक म्यूजिक वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, तो म्यूजिक लगा सकते हैं। मैं अभी रुके म्यूजिक बाद में लगा कर दिखाऊँगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइड में बहुत सारा ऑप्शन है, तो पहला आपको मिलेगा एडजस्ट वाला ऑप्शन, तो आप अपने फ़ोटो को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, जो कि मैं यहाँ देखिए इसे आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आपको ऊपर सही वाले बटन में टैप करना है, यहाँ पर आपको मिलेगा कलर फिल्टर का, तो आप यहाँ पे अपने इस इमेज में आप कलर फिल्टर ही लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। उसके बाद आप सही करेंगे तो तीसरा आता है आपको यहाँ पे स्टिकर का, आप चाहे तो यहाँ पे स्टिकर भी लगा सकते हैं, जैसा कि मैंने इस स्टिकर को चूज किया, और इस स्टिकर को चूज करने के बाद यहाँ पे मैं लगा दिया। उसके बाद ऑप्शन आता है यहाँ पे टेक्स्ट का, आप चाहे तो कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो। और इस आप फोटो को आप इसे देखिए, आप इसका इस स्पेलिंग का आप फिल्ट मतलब ऑप्शन भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस स्पेलिंग पे आप कोई भी कलर सेट कर सकते हैं अच्छा सा अपना मनपसंद का। उसके बाद आपको सिंपली आपको सही वाले बटन पे टैप करना है, और उसके बाद आप इस स्पेलिंग को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरह कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा लेआउट, लेआउट में आप देख सकते हैं क्या करना है। लेआउट में देखिए आप इस तरह का लेआउट को यूज कर सकते हैं, तो मैं अभी सिंपली लेआउट को यूज नहीं करूंगा। तो यहाँ पे आपको सही वाले बटन पे टैप कर देना है। उसके बाद सिंपली आपको अब म्यूजिक लगाना, तो म्यूजिक वाले में जाएंगे, अब जो भी म्यूजिक आपको पसंद है वो म्यूजिक आप लगा सकते हैं। आपको यहाँ पे सिंपली सही वाले बटन पे टैप करना, और यहाँ पे आपको सही वाले पे जाना है, और यहाँ पे आपका आ चुका है वो फ़ोटो, और यहाँ पे आप अपने फ़ोटो में कुछ भी लिख सकते हैं, या आप यहाँ पे हैशटैग लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली अपना वाईफाई दोस्त हैशटैग लगा देता हूँ, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना लोकेशन डाल सकते हैं, या किसी फ्रेंड को अगर टैग करना चाहते हैं आप यहाँ पर टैग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद अगर आप इस फोटो को अपना एल्बम में सेव करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको सही वाले में बटन में टैप करना है, नहीं तो आप यहाँ पे सिंपली पोस्ट वाले ऑप्शन पे पोस्ट कर देंगे, तो आपका फ़ोटो पोस्ट हो जाएगा। जी हाँ, जैसा कि मेरा फ़ोटो यहाँ पर पोस्ट हो रहा है, और यहाँ पर ऊपर में देखिए अपलोड हो रहा है, जो कि जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा फ़ोटो अपलोड हो चुका है। अपलोड होने के बाद अब आपको क्या करना, जैसा कि आप इस फोटो पे टैप करेंगे तो अब आपको एक म्यूजिक सुनने को मिल रहा होगा। जी हाँ, एक म्यूजिक आपको सुनने को मिल रहा होगा। तो आप लोग इस तरह से एक फ़ोटो अपना अच्छा सा तैयार कर सकते हैं। उसके बाद एक और ज़रूरी बात आता है कि आप यहाँ पे सिंपली इस वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे तो आप यहाँ से अपना एक वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप एक फ़ोटो से वीडियो बना सकते हैं। जी हाँ, जिस तरह की आपको टिकटॉक सब में मिलता है, आप इस तरह से देखिए, इस तरह से आप एक अच्छा सा एक या ज़्यादा फ़ोटो से आप एक अच्छा वीडियो को भी बना सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसा कि मैं इस वाले फ़ोटो में मतलब इस वाले वीडियो में अपना एक फ़ोटो को ऐड कर देता हूँ, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जैसा कि अब मैंने यहाँ पे अपना एक फ़ोटो ऐड कर दिया। इस तरह से आप भी ऐड कर सकते हैं। सिंपली आप आपको फ़िल्टर का ऑप्शन मिलेगा, आप अपना कलर फ़ोटो का कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्टिकर मिलेगा, आप स्टिकर अगर लगाना चाहते हैं तो आप स्टिकर लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको टेक्स्ट मिलेगा, अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको नेक्स्ट वाले बटन पे टैप करना है। नेक्स्ट वाले बटन पे जैसा भी मैंने बताया कि आप लोग यहाँ पे हैशटैग लगा सकते हैं, अगर लगाना तो लगाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं। उसके बाद आप सिंपली यहाँ पे पोस्ट कर दे सकते हैं। तो इस तरह से आप एक अपना एक फ़ोटो से अच्छा सा वीडियो बना सकते हैं। उसके बाद एक ज़रूरी बात आता है कि यहाँ पर आपको यहाँ पर फोन नंबर में एक नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको कमेंट, फॉलोवर्स, लाइक एंड टैग, जी हाँ, आपके फ़ोटो या वीडियो पे कितने कमेंट आए यहाँ पे आपको दिखेगा, और साथ ही आपके कौन कौन नए फॉलोवर आए यहाँ पे आपको दिखेगा, और आपको किन किन लोगों ने आपके फ़ोटो या वीडियो को लाइक किया यहाँ पे आएगा, और अगर आपके फ़ोटो को कोई टैग करता है तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे एक सिंपल आता है प्रोफाइल वाला ऑप्शन, जी हाँ, प्रोफाइल में आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जितने भी फ़ोटो वीडियो को अपलोड किया यहाँ पे सब आपको देखने को मिलेगा। और यहीं पे एक ज़रूरी बात आता है कि यहाँ पे एक आपको वॉलेट का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ से चाहे तो आप यहाँ पे रिचार्ज भी कर सकते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है रिचार्ज नाउ, तो आप लोग चाहे तो यहाँ से
रिचार्ज भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद हेलो एप्लीकेशन में टाइम टू टाइम ऑफ़र आते रहता है, जो कि कोई भी ऑफ़र आता है तो यहाँ पे आपको प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे यहाँ पे शो होगा। जैसा कि एक अभी ऑफ़र चल रहा है स्टार लाइव का, तो स्टार लाइव में आप आएंगे तो यहाँ पे आप एक अच्छा सा मोबाइल जीत सकते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप इस तरह से एक अच्छा सा एक इस तरह यहीं पे एक ऑफ़र आता है, यहाँ पे आप मतलब अपने चहेता आदमी से बात कर सकते हैं, जो कि सेट रिमाइंडर में क्लिक करेंगे इस टाइम पे आप उनसे लाइव में बात कर सकते हैं और लाइव में ही आपको इनाम दिया जाएगा। तो आप इनाम को जीत सकते हैं, जो कि पहला इनाम रखा गया है आईफोन 11, दूसरा इनाम है रेडमी नोट 9 प्रो और तीसरा इनाम है रेडमी गो। इन फ़ोन को आप जीत सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको आता है ऊपर में सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, सेटिंग वाले ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पे आप अपने अकाउंट को लॉग आउट कर सकते हैं। अगर आपको लॉग आउट नहीं करना है कोई बात नहीं। और यहाँ पे ऊपर में मिलेगा लैंग्वेज का ऑप्शन, तो आप यहाँ से लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा प्राइवेसी एंड सेफ्टी का ऑप्शन, तो आप लोग यहाँ से सिंपली अपने अकाउंट को प्राइवेट या सेफ्टी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा एक हेल्प एंड फीडबैक का, अगर आप लोग हेलो एप्लीकेशन को कोई भी हेल्प या फीडबैक देना चाहते हैं, अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप मांग सकते हैं। यहाँ पे एक मिलेगा प्राइवेसी पॉलिसी मिलेगा, आप लोग यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी को देख सकते हैं। और भी बहुत सारे आपको सेटिंग देखने को मिल जाए। यहाँ पे आपको मिलेगा अकाउंट मैनेज का ऑप्शन और नीचे में आपको मिलेगा डिलीट अकाउंट का। अगर आप लोग हेलो एप्लीकेशन को डिलीट करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं डिलीट अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, तो आप लोग वहाँ से जाकर अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो मैंने आपको अभी पूरा फार्मूला पूरा जितना भी ऑल मतलब सेटिंग के बारे में ऑल जानकारी मैंने आपके सामने आपके साथ शेयर किया हेलो एप्लीकेशन के बारे में, जो कि यह था हेलो एप्लीकेशन का पूरा जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो से कुछ भी नॉलेज मिला होगा, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक करें। और चैनल पे नए हैं पहली बार विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा। और एक ज़रूरी बात, आप लोग इस वीडियो को सभी फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आपके भी फ्रेंड फैमिली हेलो एप्लीकेशन के बारे में नहीं जानते हैं, तो हेलो एप्लीकेशन के बारे में जानकर आप यहाँ से पैसा कमा सकते हैं या आप यहाँ से अपना फॉलोवर बढ़ा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं इसी तरह अच्छे वीडियो पर। जय हिंद, वंदे मातरम।